जालौन में चल रहे अवैध खनन के ऊपर की गई बड़ी कार्रवाई। पूरा मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र से आ रहा है, जिसमें उपजिलाधिकारी जालौन सुरेश कुमार ने तड़के 5 बजे छापा मारकर एक ट्रैक्टर जिसकी ट्रॉली में मिट्टी भरी हुई थी और जेसीबी को पकड़कर जालौन कोतवाली में खड़ा कर दिया। उपजिलाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने खनिज और परिवहन विभाग को पत्र के माध्यम से सूचना भेज दी है। मिट्टी खनन के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा, ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह लगभग 5 बजे मैं भ्रमण पर निकला था तो देखा कि एक ट्रैक्टर मिट्टी लगा हुआ आ रहा था, उसको पकड़ के पूछताछ की। वो कोई रवाना दिखाने में असफल रहा, उसको पकड़ करके थाने में बंद कर दिया गया। इसके बाद आगे जाने पे जो खनन स्थल था छिपौला के पास, वहाँ एक जेसीबी दिखाई थी, तो मौके में जब गए तो वहाँ से ड्राइवर भाग गया था। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद नायब तहसीलदार भी साथ में थे मेरे, तो इसके बाद पुलिस की सहायता से जेसीबी को थाने में रख दिया गया। इस तरह से ट्रैक्टर ट्राली भरी हुई मिट्टी से और एक जेसीबी थानाध्यक्ष जालौन के सपोर्ट कर दिया गया। अवैध खनन के मामले में क्या कोई मुकदमा आप लिखाने जा रहे हैं? ये मैं सूचना जो संबंधित विभाग है, जैसे खनिज अधिकारी है, ARDO है, इन सबको मैं पत्र चला गया है मेरा, वो अपना अपने स्तर से कार्रवाई कर। जो वाहन पकड़े गए हैं उनके मालिकों को कोई नोटिस? वो उन्हीं खनिज अधिकारी या ARDO की तरफ से ही वो उनको नोटिस दिया जाएगा, जो भी कार्रवाई उनकी। नमस्कार दोस्तों, अनजान भारत से मैं राम दुलारे तिवारी। आज एक बार फिर से जनपद जालौन के उपजिलाधिकारी सुरेश कुमार के द्वारा खनिज माफियाओं के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। देखते रहिए अनजान भारत से महिमा ब्लॉक संवाददाता राम दुलारी तिवारी की रिपोर्ट।